वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह, तुसीं देख रहे हो टूरिस्ट इंडिया इंस्टाग्राम फेसबुक ते यूट्यूब चैनल। ये जिहड़ा साडी वीडियो हुंदी है क्यू एंड ए, क्वेश्चन ते आंसर। तुसीं कमेंट के रूप दे विच मैनूं सवाल करदे हो ते मैं तुहाडे सवालों का जवाब दिंदा हैगा। ये जिहड़ी वीडियो हर रोज़ रात नूं 8:30 बजे यूट्यूब तो रिलीज़ हुंदी है, तुसीं बहुत प्यार दिंदे हो। थोड़े दिमाग 'च कोई डाउट हुंदा है, तुसीं कोई सवाल पूछना चाहते हो किसी वीजे नूं लैके, किसी इमीग्रेशन लैके, तुसी मेरी किसी वीडियो दे कमेंट कर सकते हो। तो सारे कमेंट इकट्ठे करके हर रोज़ रात को 8:30 बजे मैं थोड़े कमेंट्स का जवाब देता है। सो आओ शुरू करते हैं अज का क्यू एंड ए। अहमद जमाल पूछते हैं बिना ITR के भी कर सकते हैं अप्लाई। देखिए सर, बिना ITR का मतलब है कि आपकी इनकम कोई नहीं। आप किसी भी कंट्री का विजिटर वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी। वो इनकम आप अलग अलग मेथड से दिखा सकते हो। यदि आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो आपकी ITR होना ज़रूरी है। यदि आप एग्रीकल्चरिस्ट हो तो आप जे फार्म दे सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब पे हैं, आपकी ITR नहीं है, तो आपके पास फॉर्म 16 रहता है। और यदि आप जॉब कर रहे हैं, आपकी ITR नहीं है, तो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। तो किसी ना किसी तरीके से आपको अपनी जो इनकम वो दिखानी पड़ती है। ठीक है, आपको ITR ना हो कोई बात नहीं, पर आपकी इनकम का सोर्स क्या है। एम्बेसी ये देखती है कि इंडिया में आपकी इनकम का सोर्स क्या है। वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपने ITR ही शो करनी, कुछ और, पर इनकम होनी चाहिए। यदि इनकम होगी तभी आपका वीज़ा आएगा, यदि इनकम नहीं होगी तो आपका वीज़ा नहीं आएगा। अगे अर्शदीप जी पूछते हैं जी, सर जिहड़ा बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लेना बैंक तो, वह सर्टिफिकेट भी नाल फाइल दे सबमिट करना है कि नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल करना पैंदा जी। जे सर्टिफिकेट लैण दा तां ही बेनीफिट है ना, जे आपां उहनूं सबमिट करांगे ते उह भी थोड़ी फाइल दे विच सबमिशन होएगी। जिवें बैंक स्टेटमेंट नाल जांदी है, उवें ही थोड़ा बैंक दा सर्टिफिकेट भी जिहड़ा हैगा नाल जांदा हैगा। अर्शदीप जी दा अगला सवाल हैगा, आस्ट्रेलिया दा वीज़ा जदों भाजी ते ऑनलाइन पोलिटिकल प्लेयर ते स्टूडेंट नाल 18 मंथ हो गए, स्टूडेंट नूं लै के हले नहीं जा रहे। आस्ट्रेलिया हले वेट करो जी, आस्ट्रेलिया नहीं खुलिया हैगा, हले टाइम लग सकता हैगा। अतेंद्रपाल पुछते ने जी, अतेंद्र सिंह पुछते ने, इन लास्ट वीडियो एज 20 आई से ब्रदर आई नीड द कनेडा टूरिस्ट, माई पासपोर्ट इज फ्रेश, वी आर फैमिली हैव ओनली जे फॉर्म ब्रदर, नॉट फिल्ड ITR, हाउ मच फीस टेक एम्बेसी, आई केम फास्ट टू यूर ऑफिस, गॉड ब्लैस यू। अतेंद्र जी, तुम 20 साल दे हो, कोई गल नहीं, तुम भी अपलाई कर सकते हो। थोड़े को जे फार्म होने, ITR हो गए, ATR नहीं है तो कोई गल नहीं, जे फार्म थोड़े को नहीं तो तुम अपलाई कर सकते है। देखो, आपू इनकम दिखानी होंगी है, भावें वह किसी भी रूप के हो, जे फार्म के रूप के भी तुम दिखा सकते हो, ITR भी दिखा सकते हो। सो मोस्ट वेलकम, तुसी आ जाओ ऑफिस, आप बैठ के डिस्कस कर लेंगे। अगे दिलवाग सिंह जी करते ने सवाल, सत श्री अकाल वीर जी, मेरा सवाल कनेडा विजिटर वीज़ा नूं लैके है। मेरी वाइफ का पहले तो ही वीज़ा बिफोर मैरिज थ्रू हर पेरेंट्स लग्या होया है, हुण मैं अपना विजिटर वीज़ा लगवाना चाहना हाँ। मेरी वाइफ की छोटी सिस्टर पिछले साल ही कनेडा पक्के तौर पर गई है, पर अजे वो टीचिंग का कोर्स कर रही है, कि उसकी राहदारी मंगवानी सही रहेगी। जिमें कि मैं काफ़ी वीडियो भी देखा है कि राहदारी भेजने वाले का स्टेटस हाई होना चाहिए है, उसके टैक्स पेयर स्लिप, पे स्लिप वगैरह भी राहदारी भी जुड़ी हैं। वीर जी, ये दस्यो कि मेरी वाइफ का वीज़ा पहला तो लग्या होया है, तो वह 2 बारी कनेडा भी जाके आई है, इसका असर मेरी प्रोफाइल पर पवेगा। जे मेरी राहदारी मजबूत नहीं है, इकल होर मैं फिजिकली डिसेबल हाँ, कि इसका असर होगा मेरी प्रोफाइल पर। इमीग्रेशन वाले सोच सकते हैं कि इसकी वाइफ पहला आई है, अते जे गया तो वापस आएगा जदों कि डिसेबल है। कृपा करके डाउट क्लीयर करो जी। दिलवाग जी, तुम ए करो, तुम ना एकदम अपना कनेडा का वीज़ा अप्लाई ना करो। कनेडा के वीज़ा च की होंदा है कि तुसी वाइफ दे वीज़े का थोनू बेनीफिट मिल नहीं सकना। कारण की होंदा है कि थोड़ी एप्लीकेशन के नाल आपां अटैच नहीं कर सकांगे। हाँ, तुसी उहदा बेनीफिट एक तरीके नाल होर लै सकते हो कि वाइफ का कनेडा का वीज़ा लग्या होया हैगा। सो वाइफ दे नाल पहला तुसी एक अद्धा कंट्री होर घूम लो, ठीक है, होर लाइक जिवें तुसी UK चले जाओ, तुसी शैनिंगन कंट्रियां का टूर कर लो। उस नाल की होएगा कि एक बार थोड़ा शैनिंगन या थोड़ा जे UK का वीज़ा लग गया तो थोड़ा जिहड़ा प्रोफाइल है थोड़ी जी पहले ना स्ट्रोंग हो जूगी। आफ्टर दैन तुसी आपदी सिस्टर इन लॉ दी स्पोंसर लैके आपदे
वाइफ दे वीज़े की कॉपी नाल लैके फिर तुसी कनेडा का वीज़ा भी जरा कर सकते हो। जे तुसी फ्रैश पासपोर्ट ते ही पहला ही कनेडा का डायरैक्ट कर लोगे तो गल नहीं बन सकती, कई बार दिक्कत आ सकती है। जे एक बार थोड़ी रिजैक्शन आ गई फिर मुड़ के वीज़ा लेना औखा हो जाता है। सो पहला तुसी किसी होर कंट्री का कर लो अपनी वाइफ की सपोर्ट लैके, क्योंकि थोड़े दोनों का कट्ठा जाएगा। मेन एप्लीकेंट थोड़ी वाइफ नूं बना देंगे, ठीक है, तो वाइफ के बेस से ही थोड़ा जिहड़ा वीज़ा यूके का, क्योंकि वाइफ ऑलरेडी ट्रैवल किया हो कनेडा, सो वाइफ के बेस से ही थोड़ा यूके या शैनिंगन जिहड़े हुण ओपन ने कर सकते हैं। इस तो बाद फिर तुसी आपका जिहड़ा वीज़ा कैनेडा का कर लियो, हाले फिलहाल कनेडा ना करो। बाकी डिसेबल हो तुसी, इस नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, एप्लीकेशन नूं वीज़ा थोड़ा आ जाएगा जे तरीके नाल फाइल लाओगे। तो इस दे नाल नाल थोड़ी जिहड़ी प्रोफाइल वधिया होनी चाहिए है, थोड़ी इनकम का साधन। सिर तुसी इसे चीज़ ते ना रह जाओ कि मेरी वाइफ दे कोल वीज़ा मेरा तो लग जूगा, इस तरह का नहीं कम हुंदा। थोड़ी आपकी प्रोफाइल भी कोई माड़ी मोटी वधिया होनी चाहिए है, थोड़ा इनकम का साधन वो एक तरीका हुंदा हैगा भी किन्ना होना चाहिए। तुसी ऑफिस विजिट कर लियो, किसी दिन तुहानू दस देंगे। धन्यवाद। हैप्पी सिंह पुछदे ने, भाई जी मेरा कमेंट पूरा रीड नहीं किया तुसी, मेरे कहने का मतलब सी कि मेरा बायोमेट्रिक पहला 2019 होया है, अप्लाई करा मैं तो फिर होएगा, आप अंबैसी नू शो हो जाते ने? बिल्कुल हो जाते ने जी, कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रदर। जे तुसी पहला थोड़े बायोमेट्रिक होए हुए ने तो तुहानू दोबारे बायोमेट्रिक देने की जिहड़ी जरूरत नहीं हैगी, थोड़े उही बायोमेट्रिक अपने आप ही चके जाणगे अंबैसी वालों, सो तुहानू दोबारा देने की जरूरत नहीं हैगी। अगे हरदीप सिंह पुछते हैं जी, भाई जी मेरा टूरिस्ट वीजे तो कनेडा जाके वर्क परमिट मिल सकेगा जी? जिस किसी का भी टूरिस्ट वीजा लगता जी, वो जाके कनेडा उन्हूं वर्क परमिट कन्वर्ट करवा सकता है, बशर्ते थोड़ा जिहड़ा फार्म है वो वधिया तरीके नाल भरिया होया होवे। वधिया तरीके नाल मतलब इत्थे थोड़ा कोई कामकार शुरू होना चाहिए जिस दे बिहाफ ते थोनू अगे वर्क परमिट मिल सके, क्योंकि जो थोड़ी क्वालिफिकेशन है ते जो थोड़ा एक्सपीरियंस है उस दे मुताबिक थोनू जिहड़ा अगे वर्क मिलता हैगा। अगे अगले साढ़े जिहड़े कमेंट कर रहे ने, आस्ट्रेलिया वीजे ते कहना ही गट आस्ट्रेलिया बिजनेस स्ट्रीम विजिटर वीज़ा फॉर अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, इज ट्रैवल हिस्ट्री इज विचल फॉर गेटिंग आस्ट्रेलिया वीज़ा अप्रूवल बिजनेस स्ट्रीम विजिटर वीज़ा अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस। डियर सर, राइट नाउ आस्ट्रेलिया इज टोटली क्लोज, इट्स आल्सो फॉर टूरिस्ट एंड आल्सो फॉर बिजनेस, सो यू हैव टू वेट टिल नेक्स्ट अपडेट, राइट नाउ यू कांट अप्लाई फॉर टूरिस्ट वीजा। थैंक यू वेरी मच। अगे हनी रामगढ़िया पुछते हैं, जिन्हों ने मैरिज स्पोंसर से लाई हुई सी फाइल डेट एक्सपायर हुई ने पिछले साल, उन्हों का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नहीं? देखो इस तरह का कुछ नहीं होंगे जी, जे थोड़िया पहला दिया फाइलें लगिया ने डेट निकल गई है तो भी कोई चक्कर नहीं, जो थोड़ी प्रोफाइल वधिया परपज सही सीगा फिर भी थोड़ा जो वीज़ा वो आ सकता है, पॉजिटिव सोचो, थोड़ी वेट कर सकते हो। इंदरजीत सिंह पुछते हैं, सर जी की असी शैनिंगन वीज़ा ते काम कर सकते हैं? देखो ब्रदर, तुसी टूरिस्ट वीज़ा ते काम नहीं कर सकते, लीगली इलीगल तरीके नाल काम किया जा सकता है, करते रहे बहुत सारे लोग। हाँ तुसी शैनिंगन दे कुछ इस तरह की कंट्री ने जिथे आप दे जाके जिहड़े पेपर ने उन्होंने कन्वर्ट कर सकते हो, जिवें पुर्तगाल दे विच तुहाडी पेपर कन्वर्ट होगी, किसी भी कंट्री तुसी जिहड़ा आपदा काम कर सकते हो। अगे खान प्रवीन लिखते हैं जी, हैलो सर जी, तुसी अज की वीडियो विच दस्सिया है कि अगर कोई किसी भी कंट्री चो डिपोर्ट होया है पासपोर्ट चेंज कर लो, वो किमें होएगा सर जी? बिल्कुल जी, जे थोड़े डेपोटेशन की मोहर लगी हुई हुई है तो जो तुम किसी होर कंट्री दे विच अप्लाई करोगे तो वीजे दिक्कत आ जाती है, पर इहदा तरीका हुंदा कि तुसी पासपोर्ट चेंज कर लो। पासपोर्ट किमें चेंज हुंदा है? कदे भी लॉस करके पासपोर्ट अपना चेंज नहीं करना कि मेरा पासपोर्ट गुम गया, उहदे च दिक्कत आती है। तुसी आपका एड्रैस चेंज कर लो, या तुसी आपके सरनेम ला लो, अपना नेम चेंज कर लो, या कोई चीज़ अमेंडमेंट करवा लो। सो इस तरह दीयां गल्लां दे नाल तुसी आपका जिहड़ा पासपोर्ट चेंज कर सकते हो। अगे मनजीत मान लिखते हैं, सर वीज़ा के लिए आईलेट जरूरी है? देखो जी, जे तुसी स्टडी वीज़ा तो जाना चाहते हो फिर आईलेट जरूरी है, टूरिस्ट वीज़ा वास्ते कोई आईलेट की जरूरत नहीं पैंदी। अगे मनप्रीत सुखों लिखते हैं, सर मेरा गैप होया बहुत, यूनिवर्सिटी ने मैनू ऑफर लैटर प्रोवाइड किया है बट हुण सितंबर इनटेक वास्ते टाइम घट है, फाइल लाउणी है, की करिए जी? सितंबर नू छड्डो जनाब, हुण तुसी जनवरी इनटेक डैफर करा लो, जनवरी इनटेक का लाओ, सितंबर का थोड़ा वीज़ा नहीं आना।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਨਬਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਬਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਯੂਰਪ, ਜਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਆਲ ਏਸ਼ੀਆ ਟਰੈਵਲ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ 50 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਜੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਸਿੰਗਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ। 8,000 ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਬਣੂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਲਾਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਦਰ, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਆਪਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਰੋ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲੈਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ SOP ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਿਸ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆਪਦੀ ਆਪਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਲਵ ਟਰੈਵਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੈਲੋ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ UK ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਥਲੀ 30 ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 30 ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਹੋਲੈਂਡ ਦਾ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, UK ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੈਂ USA ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜੂਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ UK ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ 31 ਮਾਰਚ ਕੋ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੇਟ ਕਬ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, June 29 ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 175 ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਿਓ, ਅਤੇ 175 ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਅ ਜੀ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਕਦੋਂ ਲੈਫਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪਲਾਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ USA ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, USA ਨੇ ਹਲੇ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਪਰ USA ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਟੋਟਲੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਤਾਵਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਓਪਨ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ USA ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ USA ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮੱਕੜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੈਲੋ ਸਰ, ਆਈ ਐਮ ਬਿਗ ਫੈਨ ਆਫ ਯੂ ਫਰੋਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਊਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਗੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਅਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਬ੍ਰਦਰ ਹਾਲੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ 175 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ, 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 175 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 175 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ? ਹਾਲੇ ਵੇਟ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਲੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, 175 ਡੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ੇ ਫਰਨੀਚਰ ਹਾਊਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀਜ਼ਾ ਓਪਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਹੈ ਜੀ, 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਓਪਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ Q&A, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈੱਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।